बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू चैनल के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। मोबाइल के इस्तेमाल पर 900 रियाल और बेल्ट के खिलाफ वर्जी पर 500 रियाल जुर्माना कर दिया गया है। रियाद सऊदी वजारत दाखिला के मातहत मीडिया सेंटर के डायरेक्टर तलाल अल शलहोब ने वादे किया कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर जुर्माना 500 रियाल से बढ़ाकर 900 रियाल और हफाजती बेल्ट ना बांधने पर जुर्माना 150 रियाल से बढ़ाकर 500 रियाल कर दिया गया है। अल शलहोब ने MBC चैनल को मरूफ प्रोग्राम माली अल मवातन से टेलीफोनिक रबते के दौरान बताया कि बेल्ट ना बांधने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। रियाज, मक्का और मदीना रीजनों में इसका नफाज होगा। आइंदा इतवार से खुद कर निज़ाम के तहत मजकूरा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जाएंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि मोबाइल के इस्तेमाल और बेल्ट न बांधने पर जुर्माने अंदरून शहर भी होंगे और बैरून शहर शाहराहों पर भी लागू होंगे। दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि जुर्मानों में इजाफे के बाद ट्रैफिक हादसात में एक तहाई हद तक कमी रिकॉर्ड की गई है। माजी में हादसात का तनासब 18%, जख्मी होने वालों का तनासब 25% और मौत का तनासब 26% था। उन्होंने कहा कि खुद का निज़ाम के तहत ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का निज़ाम मुतारफ कराने की बुनियादी वजह सलामती के अमल को मौसर बनाना है। तरक्की याफ्ता ममालिक में जो मियार है वही सऊदी अरेबिया में भी नाफज किया जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।